नमस्कार दर्शक भाइयों, आगे आज हम नेहा एग्रीकल्चर स्टोर और ये पड़ता है असोडा पैट नज़दीक राघव रेजेंसी हापुड़ उत्तर प्रदेश यामीन लोहा। और इनके यहाँ पर संगारू, हिप्पो, डबल गेंडा, यूनिवर्सल, डिस्टैरो, शारदा, इंग्लिश मॉडर्न गेंडा, एशियन गेंडा, टाइन टेलर, ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर प्लस मैनुअल पोटैटो प्लांटर, आलू खोदने की मशीन, हैवी ड्यूटी टिल्लर, ये सभी कृषि यंत्र यहाँ पर उपलब्ध हैं। और अभी जो है ये आलू बोने की ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर तैयार कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें जंजीर कितनी हैवी लगी हुई है ये भी आप देखिए, जैसे इन्होंने जंजीरें लगा रखी हैं, ये बहुत हैवी तरीके से लगा रखे हैं। बक्सा भी बहुत हैवी है और काफ़ी बड़ा बक्सा है, ये देख सकते हैं आप। और इधर भी ये मशीन आलू बोने की तैयार हो रही है, इस सीजन चल रहा है आलू बोने की मशीन का, ये भी आलू बोने की मशीन तैयार कर रहे हैं। किसान भाई खड़े हुए हैं ट्रैक्टर लेकर, ये देखिए दो दो ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, एक जनरेटर लगा हुआ है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने इधर ये पेंट करके खड़ी कर रखी हैं अपनी पोटैटो प्लांटर ऑटोमेटिक वाली जो है। और इधर हैरो खड़ी हुई हैं, ईंक जोतने वाला खड़ा हुआ है, बाकी पोटैटो प्लांटर इनको उधर भी खड़े हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी इसी वीडियो में बने रहना आप। मैं आपको अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ आलू बोने की पोटैटो प्लांटर है जो इनकी, जो कि ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर है। धान बरसाने के लिए इन्होंने पंखे भी रेडी कर रखे हैं, ये पंखे हैं धान बरसाने के लिए। और भैया से अभी एक बार इनके बारे में पूरी जानकारी भी लेंगे जो इन्होंने ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर तैयार कर रखे हैं। और अभी पन्नी उतार रहे हैं, ये पंखा खड़ा हुआ है इनका धान बरसाने के लिए। इधर इनकी हैरो खड़ी हुई है, डिस्क हैरो, ये 16 तवों की है। और इधर इनका गन्ना बोने का लेजर खड़ा हुआ है, घास हो रही है इस वजह से ऐसा लग रहा है। ये एक जोतने का है, और भैया से एक बार बात कर लेते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इनका जो एड्रेस वगैरह है, इनके जो पता है नेहा एग्रीकल्चर स्टोर, तिरंगा बिल्डिंग, किठौर रोड, असोडा पैट, हापुड़। और यूट्यूब पर भी नेहा एग्रो स्टोर के नाम से इनका चैनल भी है। और यामिन लोहार, मोबाइल नंबर है इनका 7248 72 56 46, जिस किसी भाई को आवश्यकता हो इनसे संपर्क कर सकता है। एक बार भाई से भी इसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। भैया एक बार अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो नमस्कार, और मैं यामिन लोहार का लड़का, और आप देख सकते हैं हमारे कृषि यंत्र फुल हैवी ड्यूटी मशीन बनाई हुई है ऑटोमेटिक, और सभी कृषि यंत्र हमारे यहाँ मिल जाएंगे आपको। जैसे देख सकते हैं आप, हैवी ड्यूटी में पंखा बनाया हुआ है जी, और हैरो हैवी ड्यूटी में बनाई हुई है, 16 डिस्क की हैरो है, चकले वाली, और चकले वाली फ्रेम है ये 4 इंची फ्रेम में बताइए भैया ने। और ये चकले वाली हैरो है, और क्या क्या बना रहे हैं भैया इसके अलावा? भैया ये रेजर है, ये इनका रेजर है, थोड़ा सा घास हो रही है इस वजह से ऐसा लग रहा है, घास में खड़ा हुआ है। ये भी हैवी फ्रेम में है, 3 इंची फ्रेम के साथ में है। इधर इनके ईंक जोतने वाले कल्टीवेटर खड़े हुए हैं, 15 टाइन वाले, जो 15 टाइन वाले आते हैं, 5-5 वाले, और बाकी सादी मशीन और आइटम है, बाकी सादी मशीन और आइटम इनके उधर भी है जहाँ पे इनका कारखाना है। ये इनकी ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर है, और ये इनके धान बरसाने वाले पंखे हैं। भैया धान बरसाने वाला जो पंखा है आपका, ये कितनी कीमत का है? भाई 10,500 रुपये का। ये 10,500 रुपये का है धान बरसाने वाला पंखा। और मैं बता दूं आपको कि रेट के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि वीडियो ये इधर भी इनकी पोटैटो प्लांटर तैयार हो रहे हैं, और एक किसान भाई लेने के लिए खड़े हुए हैं, भाई उनको इनके बारे में जानकारी देते हुए। तो फिर देखिए इनके पंखे कितने A1 क्वालिटी के लगे हुए हैं, बिल्कुल सारी चीज़ जो है डाई मशीन लगी हुई है, सारा काम मशीनों से होता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।